सबसे पहले तो हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि जब भी सीनियर सिटीजन्स क्लब का फंक्शन चाहे वो उधमपुर में हो जो रामनगर में हो, तमाम मीडिया फैसिलिटी इसे बड़े डिटेल ढंग से ऑब्जर्व करती है और विद अपने ऑब्जर्वेशन के साथ जो पब्लिक डोमेन में जो मैसेज आता है उससे सीनियर सिटीजन्स क्लब लोगों के दिलों में एक जगह बना रहा है। आज का जो फंक्शन है ये बेसिकली हमारे जो सीनियर सिटीजन्स क्लब रामनगर की जो ब्रांच है इनका एनुअल फंक्शन होता है और इस एनुअल फंक्शन में ये जो लोग जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं या और जो गरीब लोग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है यहाँ प्रोत्साहित किया जाता है। और आज के फंक्शन में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जो मैडम इंदू कंवल चिप जी थी वो चीफ गेस्ट थी, हमें बड़ी खुशी हुई कि सीनियर सिटीजन्स क्लब को तरजीह देते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर विज़िट किया, काफ़ी टाइम निकाला और रामनगर की तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को हम तो यही कहेंगे शाबाशी देने के लिए यहाँ पे थी। जो सीनियर सिटीजन्स के जितने भी जो क्लब हैं ये सारे जो ये सामाजिक लोगों के लिए होते हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स का अपना कोई इसमें जो कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं होता है, इसे हम ये एक एनुअल मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो रिटायर्ड फ्रंटी होती है वो कम से कम अपना एक्सपीरियंस जो है वो समाज में जो है डिस्पेंस करें और समाज को जागृत करें कि सिर्फ हमारी जो फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा सीनियर सिटीजन्स क्लब जो रहता है। आज के जो फंक्शन के लिए मैं जो रामनगर क्लब के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री शिवदेव सिंह जी, हमारे रामनगर क्लब के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी एडवाइजरी बोर्ड और तमाम मेंबर्स का ये मैं धन्यवाद करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स क्लब उधमपुर कि उन्होंने एक बड़ा या बहुत अच्छा और एक वेरी इन्फ्लुएंसी प्रोग्राम जो है वो आज प्रेजेंट किया है यहाँ। सबसे रामनगर में सबसे हमारे क्लब की जो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम थी जिसको बड़े अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट किया गया और हमें ये खुशी हुई कि मैडम डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने हमारी उस डिमांड को जो प्रैक्टिकली समझते हुए उस पर पॉजिटिव व्यू लेने के लिए जो अपने विचार रखे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं।